आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इरेगुलर योग सैक क्या होता है। जब प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें आपको रिपोर्ट दी जाती है जेस्टेशनल सैक विद इरेगुलर योग सैक। तो ये इरेगुलर योग सैक जब दिखता है तो क्या प्रेगनेंसी ग्रो हो सकती है बिना बाधा के, और क्या इरेगुलर योग सैक दिखने के बाद अगर प्रेगनेंसी में कोई खराबी आती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, साथ ही ये क्यों होता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें हमें प्रेगनेंसी की तीन झलकें दिखाई देती हैं, जेस्टेशनल सैक, योग सैक, फीटल पोल, और फाइनली फिर हमें बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। अब जो ये आपका विषय है इरेगुलर योग सैक, इससे पहले एक प्रेगनेंसी की टाइमलाइन है। सो, इस बात को जानने के लिए आपको इस टाइमलाइन का जानना जरूरी है। सो, मान लीजिए कि किसी फीमेल का पीरियड साइकिल अगर 28 दिनों का है तो लगभग 14th डे के अराउंड ओवल्यूशन होगा, मतलब कि फीमेल की अंडेदानी से एक अंडा रिलीज होगा। जब ये अंडा पुरुष के स्पर्म के साथ मिलता है तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फिर जो महिला का अंडा था जो फर्टिलाइज हुआ उसमें महिला के 23 गुणसूत्र होते हैं, और जो स्पर्म आया उसमें फादर के 23 गुणसूत्र थे। जब ये दोनों मिले तो 46 गुणसूत्रों का पैकेट बनता है, जिसे 46 गुणसूत्रों का जोड़ा कहा जाता है। सो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस फर्टिलाइज्ड एग में सेल डिवीज़न होता है। फिर सेल डिवीज़न होने के बाद सेल दो बनते हैं, फिर चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, फिर 64। जब सेल 12 से लगभग 16 में बदलते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको मोरूला स्टेज कहते हैं। उसके बाद जब ये डबल होते हैं 32 में तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और फाइनली ये ऐसी स्टेज होती है जब इम्प्लांटेशन होता है। जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है तो फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी कुछ परतें होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट, सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट, वो एक हार्मोन को बनाना स्टार्ट करती हैं जिसे बीटा एससीजी हार्मोन कहते हैं। ये वही हार्मोन है जिससे आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो जब आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में दो लाइन दिखती हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि इम्प्लांटेशन प्रॉपरली हो गया है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, मान लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल का लेंथ 28 दिनों का था और आपने 30वें दिन अल्ट्रासाउंड कराया या 32वें दिन के अराउंड आपने अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में हमें प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है जिसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। उसके बाद जेस्टेशनल सैक दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद इसी जेस्टेशनल सैक में हमें एक और झलक दिखाई देती है प्रेगनेंसी की दूसरी झलक, जिसे योग सैक कहते हैं। इस योग सैक का काम क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। जेस्टेशनल सैक में ही बच्चा बनेगा, प्रेगनेंसी की हर वो प्रोसेस होगी जो कि प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई है, जिससे बच्चा खुद को डेवलप करेगा। सो, जेस्टेशनल सैक में योग सैक दिखाई देता है, और योग सैक का काम बच्चे को हर प्रकार का न्यूट्रिशन देना होता है ताकि बच्चा खुद को डेवलप कर सके, तब तक जब तक अपरा मतलब प्लेसेंटा बनता नहीं है, जो कि एम्ब्लाइकल कॉर्ड से जुड़ा होता है जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। शुरुआती स्टेज में योग सैक बच्चे को हर वो न्यूट्रिटिव चीज़ें प्रोवाइड कराता है जिससे बेबी ग्रो हो सके। अब बात आती है कि ये जो योग सैक है हमें पता कैसे लगता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। नंबर वन, इसका जो साइज़ है इसका साइज़ 2 mm से 6 mm के बीच में होना चाहिए। नंबर टू,
इसका जो आकृति है, जो इसकी शेप है, वो गोलाकार ही होनी चाहिए। अगर किसी भिन्न आकृति का हमें दिखाई देता है तो उसको इरेगुलर योग सैक कहते हैं। तो ये इरेगुलर योग सैक क्यों होता है, क्यों आपको मेंशन होता है, इसके होने का कारण क्या है? कारण बिल्कुल सिंपल है। अभी मैंने आपको जो बताया, अगर आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि सेल डिवीज़न होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल जो है मल्टीप्लाई होते हैं। साथ ही जो गुणसूत्रों का मैंने आपको जोड़ा बताया था, अगर फादर के जो गुणसूत्र हैं अगर 23 की जगह 22 या 24 आ जाते हैं, या मदर के जो गुणसूत्र हैं उसमें सही तरीके से वो रिसीव नहीं होते 22, 24, 25, तो जो कॉम्बिनेशन हुआ गुणसूत्रों का उनमें खराबी आएगी। 46 गुणसूत्र बने थे, अगर कम गुणसूत्र कंबाइंड हो रहे हैं तो 45 बनेंगे, जिससे प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं होगी। और अगर गुणसूत्र मिल भी जाते हैं, 46 गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है, तो जो सेल डिवीज़न हो रहा है उसमें अगर कोई मैकेनिकल फेलियर आ जाता है, प्रॉपरली सेल डिवीज़न होता नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी भी गाइस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं होगी। हालांकि जो जेस्टेशनल सैक है वो प्रॉपरली ग्रो होगा, लेकिन जो योग सैक है वो थोड़ा सा दिखा फिर वो डीजनरेट हो जाता है, और जब डीजनरेट होगा तो आपको इरेगुलर उसमें पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये उसके पीछे की छोटी सी साइंस है, लेकिन प्रेगनेंसी खराब है, प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है, उसे योग सैक की आकृति को देखकर डायग्नोस करना भी सही नहीं होता। उसके लिए कुछ अलग से टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे बीटा एससीजी या फिर प्रोजेस्ट्रोन का टेस्ट हो सकता है, कि आपको वजाइना के रास्ते से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाए कुछ टाइम के बाद। तो ये काफ़ी सारी प्रोसेस होती है मेडिकल टर्म में, जिसको समझना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस कंडीशन में आपको अपनी जो डॉक्टर हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना गाइज, उनकी एडवाइस को आपको फॉलो करना चाहिए। हालांकि सेकंड ओपिनियन भी लेना काफ़ी अच्छा रहता है, और अगर मेरे लिए कोई काम हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अगर मैं बिज़ी रहता हूँ तो मेरी टीम आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई देगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का ही चैनल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे